सेवा और संकल्प के मार्ग को आगे बढ़ाते हुए आज नारायणा में इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने जरूरतमंद लोगों को कोरोना सुरक्षा किट बांटी। इस किट में विटामिन सी की गोलियां, सैनिटाइजर, मास्क, पेपर सोप व इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा दिया गया। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली महापौर जयप्रकाश, स्थायी समिति अध्यक्ष शैल बिहारी गोस्वामी एवं दक्षिणी नगर निगम के नेता सदन नरेंद्र चावला उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र ने बताया कि आज 1000 लोगों को यह उपयोगी किट बांटी गई है और आगे भी संस्था का प्रयास रहेगा कि पूरी दिल्ली में जगह जगह यह किट बांटी जाए। इस कार्यक्रम में संस्था की महासचिव रश्मि मल्होत्रा, पूर्व पार्षद मालती वर्मा, सागर सिंह, सीएम मनीष कुमार सिंह, संजीव गुप्ता, राहुल शर्मा समेत कई कार्यकर्ताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संजीव अरोड़ा जी बचपन से ही सेवा कार्यों में लगे हुए हैं और ये उनको संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिले हुए हैं। वो लगातार एनजीओ के माध्यम से गरीब परिवारों में काम करते हैं, अशिक्षित बच्चों में काम करते हैं, स्लम एरिया में काम करते हैं और जब जब देश को और समाज को जरूरत पड़ती है आगे बढ़ कर के काम करते हैं। वो सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनको गंगा पुत्र भी कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हर समय सबके लिए खड़े रहते हैं। तो संजीव जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो ऐसे ही प्रेरणादायी काम करते रहें और समाज जीवन में और लोगों को प्रेरणा देकर आगे ले गए। आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने कोरोना सुरक्षा किट बांटी है और ये सेवा और संकल्प के मार्ग पर चलते हुए इंद्रप्रस्थ संजीवनी की एक नई पहल थी। और आज नारायणा में हमने 1000 ये जो किट बांटी है जिसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा, दो मास्क, एक सैनिटाइज़र, पेपर सोप और विटामिन सी की गोलियां हैं। हम ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे। ऐसे में ये जो किट है निःशुल्क बांटी गई लोगों को और साथ में जागरूक भी किया कि आप रेगुलर इनको यूज़ करें जिससे कि आप कोरोना जैसी बीमारी को अपने से दूर रखें। इंद्रप्रस्थ संजीवनी का प्रत्येक सदस्य कोरोना काल में लगकर काम करा उन्होंने और इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने एक मिसाल कायम करी है, एक इतिहास बना दिया है कि एक एनजीओ होते हुए, ना कि कोई राजनीतिक दल होते हुए, ना कोई बहुत बड़ा संगठन होते हुए, एक एनजीओ होते हुए इतने काम करे हैं कि अभी तक किसी ने नहीं करे हैं। 3 महीने लगातार, 90 दिन लगातार हमारा प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक स्वयंसेवक उन ज़रूरतमंद लोगों के घर तक भी पहुँचा के आए राशन, जो बिल्कुल असहाय थे, जो घर से निकल नहीं पा रहे थे, जहाँ रेड जोन था वहाँ पर भी अपनी जान जोखिम में डालकर वो हमारा मेंबर वहाँ पे उनको सामान देने के लिए गया है जो ज़रूरतमंद का था। इससे आगे आपका क्या स्टेप होगा? आज हमने जो ये किट बनाई है लोगों को काफ़ी अच्छी लगी है। इस अवसर पर दिल्ली के मेयर भी आए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी आए और साथ में सदन के नेता भी आए साउथ दिल्ली के, उन्होंने भी काफ़ी प्रशंसा करी है और इससे हमारा उत्साह बढ़ा है। हम ऐसी किट और बनाएंगे और अलग अलग स्थानों पर जाकर बांटेंगे। आज हमने 1000 किट वितरित किए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं सभी ख़त्म हो चुके हैं और अभी भी और भी लोग मांग कर रहे हैं कि हमें, और हमने हमारे साथ जैसे हमारे मुख्य अतिथि आए थे उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि भाई अपने अपने एरिया में, दिल्ली में जहां पर भी अगर ये किट वो उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो इंद्रप्रस्थ संजीवनी से हम लोगों से कह सकते हैं, हम फिर से ये किट तैयार करके और भी लोगों को पहुँचाएंगे। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल की रिपोर्ट, RBM News, India।